दोस्तों, भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन शांत नहीं रहता। ये हर किसी के साथ होता है और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन इसको ठीक करना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम किसी काम को पूरे फोकस के साथ नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। जब आप किसी की बातों से परेशान हो जाते हो, जब आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हो, जब आप बिना काम के अकेले बैठे रहते हो, जब आप किसी बात पर बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, तब आपका मन भटकने लगता है। और इसे भटकने से रोकने के लिए, यानी मन को शांत करने के लिए, आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे जो आपको इस कहानी से पता चलने वाला है, आपकी मन भटकने की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसका मन बहुत ही विचलित रहता था और वो इस मन भटकने के कारण बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी सारी प्रजा को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे कहा, जो भी मुझे इस मन भटकने की परेशानी से मुक्त कर देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। उस प्रजा में से एक विद्वान व्यक्ति सामने आता है और राजा से कहता है, महाराज, मैं आपकी इस परेशानी से आपको मुक्त कर सकता हूँ। राजा ने बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलोगे मैं वो इनाम दूंगा, बस तुम इस परेशानी से मुझे मुक्त कर दो। विद्वान ने कहा कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी कुटिया में एक बौद्धधर्म रहते हैं, जो बहुत ही पहुंचे हुए माने जाते हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, वो आपकी इस परेशानी से आपको अवश्य मुक्त कर देंगे। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ बौद्धधर्म की कुटिया पर गया। बौद्धधर्म बहुत ही शांति से बैठकर ध्यान लगा रहे थे। राजा उनसे पूछता है, मैंने सुना है कि आप किसी भी व्यक्ति का मन शांत कर सकते हैं, क्या आप मेरा मन शांत कर सकते हैं? बौद्धधर्म कोई जवाब नहीं देते हैं। राजा फिर से उनसे पूछता है, क्या आप मेरे मन को भटकने से रोक सकते हैं? बौद्धधर्म थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा मन क्यों भटकता है? राजा कहता है कि मैं किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाता हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता है, मुझे नहीं पता मेरा मन क्यों भटकता है। बौद्धधर्म कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज है, तुम कल सुबह अकेले आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। राजा को उनकी बात समझ में नहीं आती है और वो उनसे पूछता है, अशांत मन को मैं कैसे लेकर आऊंगा? बौद्धधर्म फिर कहते हैं, मैंने जितना कहा है बस तुम उतना करो, तुम अकेले आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना, क्योंकि जब तक तुम अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर नहीं आओगे, तब तक मैं उसे शांत कैसे करूंगा। राजा कुछ सोचता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन राजा सुबह बौद्धधर्म की कुटिया में आता है। बौद्धधर्म उनको कहते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने उस अशांत मन को ढूंढने की कोशिश करो। राजा वैसा ही करता है जैसा बौद्धधर्म कहते हैं। बैठे बैठे शाम हो जाती है, राजा की आंखें खुलती है। बौद्धधर्म कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें अपना अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। बौद्धधर्म कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम कल फिर आना। राजा अगली सुबह फिर बौद्धधर्म के पास जाता है। अगले दिन फिर वो आंखें बंद करके बैठ जाता है। शाम को जब बौद्धधर्म उनसे पूछते हैं, क्या आपको आपका अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। बौद्धधर्म उसे अगले दिन फिर से आने के लिए कहते हैं। तीसरे दिन जब राजा बौद्धधर्म के पास जाता है, आंखें बंद करके बैठ जाता है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, अगले दिन की सुबह हो जाती है, राजा आंखें बंद करके बैठा रहता है। जब राजा की आंखें खुलती है, वो देखता है कि वो बौद्धधर्म के चरणों में अपना सर रखकर सो रहा होता है। राजा की आंखें खुलती है। बौद्धधर्म उनसे कहते हैं, क्या आपको आपका अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन जिस शांति की तलाश मैं पिछले कई सालों से कर रहा था, वो मुझे जरूर मिल गई है। मैं आपका किस तरह से धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जो भी इच्छा हो आप मुझसे मांग सकते हैं। बौद्धधर्म कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, हम जिस शांति की तलाश बाहर करते हैं, वो हमारे मन के भीतर होती है। हमें अपने भीतर शांत मन को महसूस करना चाहिए। इस कहानी में बौद्धधर्म ने राजा को जो मन शांत करने की प्रक्रिया बताई है, उसे कहते हैं मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना। मेडिटेशन एक ऐसा बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप दिन के किसी भी वक्त मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने का सबसे बेहतरीन वक्त है सुबह का समय। सुबह आप 5 मिनट से लेकर जब तक हो सके मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने मन को शांत महसूस करने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा और कोई बेस्ट तरीका हो सकता है मन को शांत करने का। अगर आपको कोई और तरीका पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि आपके जैसे कई और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस, लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर।